महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही रवैये पर नाराज होकर आजमगढ़ के सिवली कॉलेज के छात्रों व हिंदू जागरण मंच के लोगों ने पुतला फूका और कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और कंगना रनौत का समर्थन करते हुए सिवली कॉलेज के छात्र नेता आंदोलन प्रमुख समर प्रताप सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में नामर्दों की सरकार है और उस समर्थन कर रहे अबू हसीम आजमी को आजमगढ़ की धरती पर पैर नहीं रखना चाहिए। संजय रावत को माफ नहीं किया जाएगा, उसे कंगना रनौत से माफी मांगनी चाहिए। हम सभी कंगना रनौत का समर्थन करते हैं, जो भी संपत्ति का नुकसान किया गया है उसकी भरपाई महाराष्ट्र सरकार करे। हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि महिलाओं पर किए गए अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम सभी महाराष्ट्र सरकार का विरोध करते हैं और कंगना रनौत का समर्थन करते हैं। इस मौके पर अभिषेक गुप्ता, कीर्तिमान सिंह, आकाश सिंह, हिमांशु सिंह, विजय सोनकर, सौरभ सिंह, अनूप धर्मपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवत। जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच अभय प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं महाराष्ट्र सरकार का विरोध करने के लिए। बड़े भैया समर प्रताप सिंह धीरज और जिला उपाध्यक्ष हिंदू जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच विपिन सिंह पालीवाल के समर्थन में यहाँ पे उतरे हैं महाराष्ट्र सरकार का विरोध करने के लिए और कंगना रनौत के समर्थन में, क्योंकि जो गलत करेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि कंगना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। और जो संजय रावत ने कहा है वो माफ़ी मांगे और महाराष्ट्र सरकार ने जो उनका दफ्तर गिराने का काम किया है कंगना रनौत का, उसकी पूरी भरपाई करें। हम इसी की मांग लेके यहाँ पे आज प्रदर्शन किए हैं। इसी